गुड मॉर्निंग, चलो लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे तो आज छोटा टॉपिक होगा, 10 से 15 मिनट का, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आज का टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, ठीक है, याद रखना। मैं लिख देता हूँ, चलेंगे सभी बच्चे फटाफट से पहले लाइव आ जाएंगे। इससे एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, ठीक है। और पिछले 3 दिन से आपका क्लास मिस था ड्यू टू हेल्थ इशू, ओके, चलेंगे। उसके बाद एक और नोटिस आपको मैं बता दूं, क्लास जब तक गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट नहीं आएगा तब तक खोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जहां भी है, जैसे भी है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब है कि फालतू के न्यूज में, इधर के बात में, उधर के बात में आपको नहीं आना है। सभी बच्चे के पास मेरा नंबर है, ठीक है, या ईमेल है या साइड है, वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे पूछते सर कल से क्लास ओपन हो रहा, ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। यदि कोई बोल रहा तो वो फेक है। और सभी बच्चे भी घर पे हमको अच्छे तरीके से पता, 90% बच्चे, 10% लोकल बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास थोड़े खुल सकता है, नहीं खुलेगा, मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आप घर पर रहें, घर पर ही पढ़ें, कोशिश करें जितना आपको बताया जाए उसके अकॉर्डिंग चलें, घर पर भी आपका बेहतर तैयारी हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगस्त में नीट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट तरीके के वीडियो पर डे डालूंगा। तो जो बच्चे आपके पास 12th पास आउट है, नीट का फॉर्म भरे हैं, उसको कहिए कंटिन्यू कनेक्ट रहने के लिए, ओके। और कुछ बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बहुत सारा टॉपिक देखे हैं, सिलेबस भेजा था गोलू, तो उसके अकॉर्डिंग उसका भी क्लास चल रहा है, ठीक है। बस आप कंटिन्यू वॉच करें, मेरी कोशिश है कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको कंटिन्यू दे, ठीक है, ओके, चलेंगे। तो आप लोग सभी बच्चे नोटिस को सुन लिए, ठीक है। क्लास जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगा तब तक नहीं खुलेगा, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, 2-3 दिन आपका क्लास मिस था गाइस, इसके लिए सॉरी, बिकॉज हेल्थ इशू था इसलिए आपका क्लास मिस हो गया। मैं खुद नहीं चाहता हूं आपका क्लास कभी मिस हो, ओके। चलिए, तो अभी का क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, यस, ओके, चलेंगे। अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट किसी को नहीं भेजना, ठीक है, जितने भी बच्चे हो बस अब कंटिन्यू पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाओ और क्लास करना शुरू कर दो। बैक क्लास में हम आपको जो बताए थे उसका पहले रिव्यू लेंगे, उसके बाद जाके आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका 100% होगा, कहीं लिख लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 100% होगा। और कैसे पूछा जाता है यह भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आराम से क्लास 15 से 20 मिनट होगा, इससे ज्यादा का क्लास नहीं होगा। और आराम से जब तुम देख लोगे तो एक झटके में इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, यस। चलो, टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, ठीक है प्रशांत, चलेंगे, यस, चलेंगे, एप्लीकेशन यस आ जाएगा, वेट एंड वॉच, चलेंगे। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है, बिना समय का इधर उधर किए हुए, यस, चलेंगे। तो सिंपली आज का जो क्लास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े हैं SHE के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में सभी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। इससे मेरा कुछ क्वेश्चन है और उसका आप लोग को जवाब देना है, ओके, रेडी हो तुम लोग, यस यस यस, रेडी रहेंगे, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो आपसे एक क्वेश्चन है इसमें, SHE, ठीक है, पूरा नाम मैं इसका लिख देता हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रोड। ये बैक क्लास का है, ठीक है, अभी मैं टॉपिक पे नहीं गया, लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये आप लोग से पूछूंगा भी और बताऊंगा भी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसको शॉर्ट में लिखा था SHE, या SHE नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, देख लो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में लिखा था NHE।
प्यारे बच्चों एनएचई रहे या एसएचई रहे दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। इसका होगा मानक हाइड्रोजन विभव और इसका होगा समान हाइड्रोजन विभव, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे सवाल करता हूं, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई सेल का मान कितना वोल्ट होता है? चलेंगे, ई सेल का कितना वोल्ट होता है? एनएचई यस, चलेंगे बिल्कुल अंकित, सवाल जवाब किसी ने करना, फटाफट से आप रेडी हो जाओ, जो मेरा सवाल रहेगा उसका आपको जवाब देना है। ई सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को बताना है। पहला देखते कमेंट, फर्स्ट कमेंट, चलेंगे वेरी गुड, नहीं एनएचई एनएचई यस यस, चलेंगे अविश वर्मा सबसे पहला, आर के दीवाना गलत है आपका, अविश वर्मा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलेंगे जीरो वोल्ट होता है, याद रखेंगे जीरो वोल्ट, मैं यहां लिख देता हूं, सभी बच्चे याद रखना, ये किसके लिए? ई एच एच प्लस के लिए, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपका जीरो वोल्ट होता है, सब बच्चे को याद रखना, ठीक है। अब देखिए आप लोग को एक लाइन सेगमेंट देते, याद है एक रेखा, और आप लोग शायद देखे होंगे रेखा के बीच में जीरो रहता है, ये सुनो रेखा के बीच में जीरो रहता है। आप यदि राइट साइड जाएंगे यानी दाहिने साइड जाएंगे तो देखते हैं उसका साइन प्लस रहता है, सभी बच्चे को पता है, और यदि उसके बाएं साइड आएंगे तो उसका साइन माइनस होता है, ऐसा होता है या नहीं होता? ये सुनो प्लीज टेल मी, वेरी गुड, चलेंगे यस जेकेश्वर यस यस, चलेंगे यस विक्रम जी, सभी को पता है इस चीज के बारे में, ओके। तो आप लोग को यह भी तो पता होना चाहिए ना कि जो प्लस होता है उसको हम लोग कैथोड, वेट करो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा केयर करो, ठीक है, यहां पर उल्टेगा, जो प्लस होता है वो कैथोड, जो माइनस होता है वो एनोड, ऐसा तुम लोग पढ़े हो, ये सुनो वेरी गुड, इतना चीज तुम्हारा यदि क्लियर है तो आगे बिल्कुल भी कहानी फिनिश होने वाला, ओके चलेंगे नाउ स्टार्ट, यस नो, चलेंगे वेरी गुड यस, चलिए तो सिंपली आज जो आपका क्लास होने वाला जरा से इसको देख लीजिए, लुक एट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके विद्युत रासायनिक श्रेणी को बोलेंगे, ओके विद्युत रासायनिक श्रेणी, चलेंगे बिल्कुल कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, ठीक है, सिंपली आप क्लास करो केवल। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसको बोलेंगे उसको जरा सा समझिएगा, एक आपको मैं सीक्वेंस देता हूं जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, क्या ये कोई सीक्वेंस है, क्या ये कोई श्रेणी है? ये सुनो, ये कोई श्रेणी है क्या? ये सुनो, चलेंगे हमने कहा गुड मॉर्निंग किसी को नहीं भेजना, केवल क्लास करो, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दो, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई समान, इसका देखिए कोई लगातार सीक्वेंस है क्या? कोई लगातार सीक्वेंस नहीं है, ये कोई तरह का श्रेणी नहीं है, आप लोग मैथ में पढ़े भी है 10th में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। अब दूसरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, यह एक सीरीज है, एक लगातार क्रम है कि नहीं है? अब यदि दूसरा ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक सीरीज है, ये दोनों सीरीज है बट ये सीरीज नहीं है, ये सुनो वेरी गुड। यदि आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आई होप कि आप इस चीज को भी समझिएगा 100%, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या चीज, उस चीज को समझिए, एक लाइन में इसका डिफिनेशन दे रहा हूं, सभी धातु के अपचयन विभव को एक श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है, ओके एक श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक लाइन में श्रेणी कहा जाता है। चलिए सिंपली अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्स इसका मैं बता रहा हूं, ठीक है, किस तरह से आपको याद रखना है। आपको जस्ट अभी बताया था एक लाइन रहेगा इस प्रकार का, ठीक है, बीच में चलेंगे, बीच में क्या रहेगा, बीच में आपका जीरो रहेगा, जीरो किसके लिए प्यारे बच्चों बताओ? हाइड्रोजन के लिए, ओके यस नो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब यहां पर देखिए
यहां जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होगा उसके विभव का मान क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के नीचे जो होगा उसके विभव का मान क्या होना चाहिए। एक चीज तो एश्योर आना, सभी सभी बच्चे एक चीज एश्योर आना, ऊपर में जो भी होगा वो क्रियाशील धातु होगा, याद रखना क्रियाशील धातु। ओके, इस चीज को याद रखना। और जो क्रियाशील धातु होता है सभी बच्चे को बताए हुए थे वो एनोड के रूप में लिया जाता है, बताए थे। और जो क्रियाशील होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस। देखो इतना चीज, इतना पॉइंट को याद रखना, क्रियाशील धातु ऊपर एनोड हो जाएगा, ठीक है, और जो लॉस करेगा वो क्रियाशील धातु होगा, इतना पॉइंट याद रखना। अब इसका जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट नीचे, ऊपर में किसको लोगे, क्रियाशील धातु को, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण होना, ठीक है, ऑक्सीकरण वाले को ऊपर लेंगे, और उसको यदि साइन के रूप में लेंगे तो एनोड या निगेटिव हो जाएगा। ओके, यस, चलेंगे, बिल्कुल परेशान तभी केवल क्लास करो, ठीक है, बाद बाकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब सिंपली नीचे क्या होगा जरा सा इसको देखो, इस ट्रिक देखो, काफी कमाल का ट्रिक मैं बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट है, एक झटके में हमने का क्वेश्चन बनेगा, 15 से 20 मिनट का क्लास है, आराम से वॉच करो। चलेंगे नीचे क्या होगा, कम क्रियाशील धातु या अधातु भी ले सकते हो, कम क्रियाशील धातु, देख लो सभी बच्चे। अब ये बताओ कम क्रियाशील धातु होगा तो उसको एनोड में लेते हैं कैथोड में, जस्ट ऊपर का ऑपोजिट करो, कैथोड। ओके, सभी बच्चे को पता होगा कैथोड। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है या गेन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉस है नीचे हो जाएगा गेन, इतना आपको याद रहेगा, यस नो, वेरी गुड, चलेंगे, यस। चलिए अब सिंपली आपको मैं एक सीक्वेंस इस डिफिनेशन को बता रहा हूं, ठीक है, सभी धातु, ठीक है, जितने भी मेटल है वो सभी धातु को लेना है। अपचयन विभव मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा या दे रहा, उसका जो भी विभव होगा को एक श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है। अब देखिए जो कम क्रियाशील होगा उसको हम ऊपर नहीं रख सकते हैं, याद रखना, जो कम क्रियाशील होगा वह हाइड्रोजन से ऊपर कभी नहीं रहेगा, हाँ जो ज्यादा भी क्रियाशील है वह हाइड्रोजन से भी नीचे कभी नहीं होगा, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। तब क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील, यह एक सीक्वेंस हुआ। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, श्रेणीबद्ध तरीके से सजाया जाता है, समझ में आ गया, हाइड्रोजन से ऊपर क्रियाशील, हाइड्रोजन से नीचे कम क्रियाशील धातु को सजाया जाता है, तो इसी से एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये सुनो, क्लियर हो गया क्या, पूछा जाता है आईटीजेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेट करेंगे वो सवाल अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। चलिए अब सिंपली मैं आगे नेक्स्ट चल रहा हूं, यस, चलेंगे अंकेश आगे। आप लोगों को अब लाइन बाय लाइन शॉर्ट आउट शॉर्ट तरीके से चलूंगा और इसे सवाल देंगे, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए रेडी हो जाएंगे सभी बच्चे, यहां पर एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है। ओके, अब हाइड्रोजन की बात करें ई सेल का, तो इसके ई सेल का वैल्यू सभी बच्चे को पता है 0 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए नंबर एक, दूसरा ऊपर किसको लेना है, अभी जस्ट बताए थे ऊपर लेना क्रियाशील धातु को, चलो फटाफट से तुम लोग इसको नोट करते जाओ, क्रियाशील धातु को, ठीक है, याद रखना इस चीज को सभी बच्चे, ऊपर क्रियाशील धातु को, और यदि क्रियाशील धातु होगा तो उसको हम लेते हैं एनोड के रूप में, याद रखना, और यदि एनोड के रूप में होगा तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, सभी बच्चे को पता है निगेटिव, ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए वेरी गुड, अब सेकेंड देखिए नीचे क्या होगा, नीचे कम क्रियाशील धातु होगा, पूछेंगे भी तुम लोग से, नीचे क्या होगा, कम क्रियाशील धातु, ओके, कम क्रियाशील धातु, और यदि कम क्रियाशील धातु होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप लोग को बताए थे सेल में, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, चूंकि त्यागने का उसके पास कैपेसिटी नहीं होता तो उल्टा वो गेन करेगा, ठीक है। चलेंगे तो गेन करेगा तो वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, याद रखना सभी बच्चे, यदि कैथोड होगा तो उसका साइन क्या होगा, सभी बच्चे को पता होगा पॉजिटिव, चलेंगे इतना याद रहेगा, वेरी गुड, चलो, यस यस, चलेंगे। अब इतना यदि याद रह गया सभी बच्चे को तो आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो क्रियाशील धातु होते हैं ना, जो क्रियाशील धातु होते हैं उसको बोला जाता है दुर्बल अपचायक। दुर्बल अपचायक का मतलब होता है जो तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है लेकिन ग्रहण बहुत कम स्पीड से करेगा। दूसरा, जो कम क्रियाशील धातु होता है उसको बोला जाता है प्रबल अपचायक।
इस चीज को सभी बच्चे याद रखना, चलेंगे। बिकॉज ये प्लस है प्लस वाला प्रबल होगा, माइनस है तो माइनस वाला दुर्बल होगा, याद रहेगा। यस वेरी गुड, चलो अंकेश, यस चलेंगे। सिंपली सही बच्चे को याद रहेगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस आपको मैं देता हूं, उस सीक्वेंस के आधार पर चार मेटल को याद रखना। देखो किसको किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर, सेकेंड एजी, थर्ड एयू, फोर पीटी। ये चार मेटल को तुम गांठ बांध करके रख लो, मेरी गारंटी है चार मेटल को गांठ बांध करके रख लिया, बाद बाकी जो भी मेटल देगा ना वो सभी के सभी क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशील मेटल कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो देखिए ये चारों ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको उत्कृष्ट धातु भी, उत्कृष्ट धातु का मतलब जो आमतौर पर धातु है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का जल्दी त्याग नहीं करेगा, मतलब वो अस्थायी है। इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये खुद में स्टेबल हो जाता है। तो इसको उत्कृष्ट धातु भी बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्कृष्ट धातु किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो चार होते हैं, कॉपर एजी एयू पीटी। अब ये कम क्रियाशील है तो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे, जवाब देंगे, लॉस करेगा रेयर केस में, चलिए बताइए। वेरी गुड प्रिया, देखिए इसका इसको याद भी और कमेंट सेक्शन में भी आ रहा, वेरी गुड चलेंगे, वेरी गुड। चलिए आप देखिए सबसे सिंपली मैं इसको लेके चल रहा हूं, यहां पर मान लो CU है, ओके, यहां पर मान लो AG है, ठीक है, यहां पर आपका AU है, यहां पर आपका PT है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए नीचे कौन जा रहा, PT जा रहा, इसका मतलब PT बहुत बहुत कम अभिक्रिया करेगा, या कहिए बहुत कम क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको सीक्वेंस में सबसे नीचे रखा गया। सेकेंड नेक्स्ट देखिए, यहां पर मान लीजिए आपका ZN है, ओके, यहां पर मान लीजिए आपका MG है, ओके, यहां पर मान लीजिए आपका NA है, यहां पर मान लीजिए आपका LI है। अब इस सीक्वेंस में जरा सा देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी लिया गया सभी के सभी क्रियाशील धातु, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी लिया गया सभी के सभी कम क्रियाशील धातु, पॉइंट नंबर वन याद रहेगा आपको। हाइड्रोजन के ऊपर किसको लिया जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर किसको लिया जाएगा, किस प्रकार के धातु को, फटाफट से जवाब दो, यस वेरी गुड। तो सिंपली देखिए सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और हाइड्रोजन के नीचे पॉइंट नंबर एक लिखते जाना इसको, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर अधिक क्रियाशील धातु को लिया जाता है, हाइड्रोजन से नीचे कम क्रियाशील धातु को लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जो क्रियाशील धातु होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं धातु वो कम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, इसलिए इसको नीचे लिया जाता है, इसको ऊपर, दैट फिनिश, यस नो, वेरी गुड। चलिए अब देखिए जो ज्यादा क्रियाशील धातु होते हैं उसको बोला जाता है दुर्बल अपचायक, याद रखना, और जो कम क्रियाशील होते हैं उसको बोला जाता है प्रबल अपचायक, यस नो, याद रहेगा, वेरी गुड। चलेंगे एक नंबर, दूसरा नंबर आपको मैं बता रहा हूं, इसको लिख लेना तुम लोग कॉपी में, चार पॉइंट अभी बताऊंगा और चार पॉइंट गांठ बांध लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है। चलिए एक नंबर, आपको धातु कैसे रहेगा उस चीज को याद रखना। चलिए दूसरा दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक सीक्वेंस लेना, ओके, ये हाइड्रोजन है, याद रहेगा, ओके। चलो यहां पर क्या होगा, दुर्बल अपचायक याद रखना, और नीचे क्या होगा, प्रबल अपचायक, ओके, प्रबल अपचायक। चलेंगे अब इस चीज को जरा सा समझिए, दूसरा पॉइंट को, हाइड्रोजन के नीचे प्रबल अपचायक को क्यों लिया जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर दुर्बल अपचायक को क्यों लिया जाता है, यह पॉइंट, सेकंड पॉइंट को समझिए। अब देखिए होता क्या, इसको दुर्बल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ज्यादा से ज्यादा निगेटिव में चला जाता है, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा निगेटिव में जाएगा तो आप बताओ कि जो निगेटिव में रहेगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा या जो पॉजिटिव में रहेगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, आप लोग इसका केवल जवाब दीजिए। चलेंगे, वेरी गुड, चलो थैंक यू प्रिया, इसी तरह से जवाब आप लोग का मिलता है, अच्छा लगता है। चलेंगे, यस ओके, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, आप लोग कंटिन्यू, यस बिल्कुल, पॉजिटिव वाले, ओके, देखिए एक निगेटिव वाले गुरुद्वाज बोले, गुरुदेव बोले, वो गलत है, ठीक है, मैं आपको उसको रीजन दे रहा हूं, उसका मैं रीजन दे रहा हूं, ठीक है, इरफान वो बताऊंगा, वेट एंड वॉच, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है, हम अपचायक का बात करते हैं तो अपचायक दुर्बल कोई क्यों होता है उस चीज को समझिए, इसका मतलब यह हो रहा है कि यह स्पीड से ऑक्सीजन को लॉस कर सकता है, इसका मतलब यह तुरंत कर देगा तो वीक है,
ठीक है, लेकिन जो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए ऊपर वाला लॉस करता है, इसका मतलब वीक है, ठीक है, नीचे वाला लॉस बहुत कम करेगा क्योंकि ये कम क्रियाशील है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया होगा सबको, चलेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर दुर्बल अपचायक को लिया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। हाइड्रोजन से नीचे प्रबल अपचायक को लिया जाता है, इसका कारण यह है कि यह कम से कम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। यह सुनो क्लियर, दूसरा नंबर बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन से ऊपर याद रखेंगे जितने भी धातु लिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड से लॉस कर देता है, जिसके कारण उसको दुर्बल अपचायक बोला था। हाइड्रोजन के नीचे कम क्रियाशील धातु को लेता है और वो इलेक्ट्रॉन का लॉस बहुत कम करता है, जिसके कारण उसको प्रबल अपचायक बोला जाता है। यस नो, दूसरा पॉइंट वेरी गुड। देखिए आप फिर से रिपीट करता हूं, ऊपर वाला हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, उसको दुर्बल अपचायक बोलेंगे। हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस बहुत कम करेगा, ग्रहण ज्यादा करेगा, उसको प्रबल अपचायक बोलेंगे। क्लियर, तीसरा पॉइंट जरा सा देख लो, चलो तीसरा पॉइंट जरा सा देख लो, और तीसरा पॉइंट में हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे, तुम लोग को जवाब भी देना। अब देखिए यहां पर हम ले लिया हाइड्रोजन को, ठीक है याद रखना, और ये जीरो होगा। यहां पर हम ले लेंगे, याद रखना, एनोड को, ठीक है, और यहां पर हम ले लेंगे कैथोड को, याद रखना सभी बच्चे, यहां पर हम कैथोड को लेंगे, ठीक है। अब चलते अपचयन विभव, आपको बता रहे तीसरा पॉइंट में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपका सवाल पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना, अपचयन विभव, यही सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अपचयन विभव के बारे में याद रखना। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहां पर -0.01 है, यस, यहां पर -0.02 है, यहां पर -0.03 है, यहां पर 0.04 है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, इस सीक्वेंस में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं माइनस का अमाउंट बढ़ता जा रहा, यस, चलेंगे, स्टार्ट आप नहीं थे, एक बार मैं इसको फिर से बताऊंगा, आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है, आप कंटिन्यू, और लास्ट में देखिए इसका कंक्लूजन पॉइंट्स बताऊंगा, दो मिनट, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको अभी समझा क्या रहा हूं आप चयन विभव के बारे में, ओके, इस चीज को समझिए जरा सा, अब नीचे जरा सा आएंगे, ओके, जरा सा नीचे आइए, +0.01 +0.02 +0.03 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जा रहे तो ज्यादा से ज्यादा निगेटिव हो जा रहा, नीचे की ओर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये कैथोड के रूप में था और कैथोड का तो साइन प्लस होता है, सभी को पता है, और ऊपर जैसे इसे बढ़ते जा रहे तो माइनस की ओर, माइनस मतलब क्या चे? एनोड की ओर, ये याद रहेगा आप लोगों को, यस नो, यस, वेरी गुड, चलो चलेंगे। अब आपको देखिए इसमें अपचयन विभव का तात्पर्य क्या हो रहा है, अपचयन विभव का तात्पर्य यह हो रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू देखिए क्या है, जीरो। अब जीरो की अपेक्षा, अब देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस, याद रखना पड़े बच्चों, ये माइनस हो रहा है तो हाइड्रोजन प्लस शो करेगा, आपको हम बताए थे SHE में कि हाइड्रोजन एक दूसरे का अपोजिट शो करेगा, यदि यह माइनस होगा तो यह प्लस हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। लेकिन उल्टा चलो, यदि यह प्लस हो रहा तब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जवाब दो, यदि यह प्लस हो रहा तो हाइड्रोजन का साइन क्या होगा, जवाब दो, यस, वेरी गुड, यस यस, चलो हेमंत सोरेन चलोगे, ओके, माइनस, वेरी गुड। देखिए अंकेश, ये ऑलरेडी माइनस हो रहा था, हाइड्रोजन प्लस होगा, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बिचौलिया वाला काम करता है, यानी दोनों तरीके से काम करता है, वो यदि प्लस के साथ जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस के साथ जाता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होती है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब देखिए जितना ऊपर जा रहा उतना माइनस अपचयन विभव, याद रखना, जितना नीचे आ रहा उतना प्लस अपचयन विभव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जितना माइनस होगा याद रखना अधिक, यहां पर मैं लिख देता हूं अधिक निगेटिव, अधिक निगेटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल, प्रबल अपचयन विभव, इसका मतलब ये तेजी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता और करंट बहुत स्पीड रखता है, याद रखना ये तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, करंट बहुत स्पीड रखेगा। लेकिन जरा सा इसको देखिए, अधिक निगेटिव
अधिक का पॉजिटिव ले लीजिए, जितना पॉजिटिव लीजिएगा इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो बताइए आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, पॉसिबल है? बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। इसका मतलब जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो हो जाएगा दुर्बल अपचयन विभव। ओके, या अपचायक विभव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अपचयन विभव। चलिए अब जरा सा इसको मैं अगेन रिपीट करता हूं। ओके ओके, चलिए फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे इसको समझिए। अब देखिए होता क्या, हाइड्रोजन सुपर जितना भी है सभी के सभी अभी जस्ट आपको बताए थे कौन सा धातु होते हैं, क्रियाशील धातु। ओके, इसी देखिए बार बार जो आपको मैं वर्ड बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? बाद में क्या आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए क्रियाशील धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का बहुत स्पीड से लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड से लॉस करेगा तो वो एनोड होगा, एनोड होगा तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रहेगा ना? अब निगेटिव उसका साइन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या, लॉस क्या, तो एक जगह से कहां जाएगा, दूसरे जगह, दूसरे जगह जाएगा तो मतलब विभव, समझ में आ रहा है? एक बिंदु से दूसरे जगह, जिसको विभवांतर बोलते हैं, विभव भी बोल सकते हैं। अब कौन सा विभव है, अपचयन विभव है। अब देखिए निगेटिव साइन है तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा क्रियाशील, उतना ज्यादा क्रियाशील होगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम प्रबल अपचायक बोलेंगे। इसलिए हम लिखे अधिक निगेटिव प्रबल अपचायक। अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन के नीचे आइए, हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है सभी बच्चे को पता है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु, और धातु भी हो सकता है याद रखेंगे, ठीक है? इसकी प्रवृत्ति ग्रहण करने की होती है, लॉस करने का तो होता ही नहीं है, बहुत कम। अब देखिए ग्रहण करने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन केवल ले सकता है दे नहीं सकता है। इसका मतलब देखिए जितना ज्यादा निगेटिव उतना दुर्बल अपचयन विभव होगा। पॉइंट समझ में आ गया? यस यस, वेरी गुड। अब तुम लोगों को हम इस पर सवाल बनवाते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को तुम याद रखना, मेरी 100% गारंटी है सारा सवाल अभी आपका बनेगा। ये ट्रिक को तुम याद करना, गांठ बांध के रख लो। ओके यस, चलो अब एक कंक्लूजन पॉइंट्स आप लोग को दे रहा हूं, फाइनली चलेंगे। अब देखिए जो जो आपको मैं बताया हूं उसको एक, मैंने पहले ही बोला कि कुछ बच्चे बोले सर क्लियर नहीं हुआ, अब आप 2 मिनट कंटिन्यू रहिए, ठीक है? सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यस चलेंगे। अब देखेंगे ये हाइड्रोजन है, अब यहां पर आप जो लेते हो हाइड्रोजन के ऊपर कौन से धातु को, जवाब दो। चलो क्रियाशील धातु मैंने ले लिया। ओके, अब नीचे क्या होगा, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु। ओके चलो, मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेटल को लिया था, अब सेकेंड पॉइंट में क्या है कि ये जो होगा आपका एनोड होगा, और एनोड को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, याद रखना सही बच्चे, देख लो। और ये क्या होगा, याद रखना कैथोड होगा, कैथोड होगा तो इसका साइन क्या होगा सभी बच्चे को पता, पॉजिटिव होगा। क्लियर, ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जरा सा देखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर में कैसे हम धातु को लेते हैं जिसका कि अपचयन विभव ज्यादा से ज्यादा हो, याद रखना उसको हम ऊपर लेते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा प्रबल अपचयन विभव, याद रखना प्रबल अपचयन विभव, ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर होगा। नीचे कौन होगा जरा सा देखो, दुर्बल अपचयन विभव, ठीक है? इसको याद रखना, दुर्बल अपचयन विभव ये नीचे रहेगा। ये एरो को समझो, ऊपर जितना ज्यादा जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, नीचे जितना आएगा उतना ज्यादा वीक होगा, ठीक है? यस वेरी गुड। देखिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा, अब देखें अपचायक की बात करेंगे तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब उतना वो कमजोर है, कमजोर है तो मतलब हो जाएगा दुर्बल अपचायक, दुर्बल अपचायक। नीचे यदि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, तो हो जाएगा इसको हम बोलते हैं प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक। चलिए इस चीज को जरा सा देखिए, अब देखिए होता क्या है, अपचयन विभव अलग है और अपचायक अलग है, इस चीज को समझेंगे। अपचयन विभव अलग है, अपचायक अलग है, कभी कभी ये आपको दे देगा, आपको ये भी याद रखना, ठीक है? दुर्बल अपचायक किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, जो क्रियाशील धातु हो, और प्रबल अपचायक किसको बोलेंगे, जो कम क्रियाशील धातु हो। देखिए इस साइड का क्वेश्चन अलग है, उस साइड का क्वेश्चन कैसे रहेगा जरा से इसको, प्रबल अपचयन विभव किसको बोलेंगे,
जो ज्यादा निगेटिव हो और ज्यादा क्रियाशील धातु हो। अब इस साइड आइए, दुर्बल अपचयन विभव किसको बोलेंगे, जो प्लस भी हो और कम क्रियाशील धातु भी हो। अब इस ट्रिक को तुम लोग नोट कर लो गांठ बांध के, चाहे जहां भी पूछेगा ना सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहले तो मैं दो तीन खुद डील करवाता हूं। यस चलो, थैंक यू, चलो यस यस चलेंगे, यस सभी पॉइंट आपका एक ही जगह क्लियर हो गया। ओके चलेंगे फटाफट से, अभी सभी बच्चे यहां का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अभी जस्ट आपसे तीन चार क्वेश्चन डील करवाएंगे और हमको लगेगा कि नहीं अब आप आसानी से समझ गए हैं, यानी कि फूकने मात्र से ये सवाल आपसे बन जाएगा तब छोड़ देंगे। यस मैंने पहले ही बोला आज 15-20 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। ओके सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। बस कंटिन्यू रहो, पढ़ने के लिए बैठो तो बीच में एक नंबर दो नंबर मत जाओ, ठीक है। बीच में आप मान लीजिए कुट्टी काटने मत जाओ, बीच में कहीं भी मत जाओ, कॉन्शियस होकर के पढ़ लो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। तीन धातु ए बी तथा सी है, ओके, जिसके अपचयन विभव का मान क्रमशः, देख लेंगे सारे बच्चे एकदम कॉन्शियस रहिए, क्रमशः -6.05 +1.50 -2.50 है, इतना वोल्ट है। तो अपचयन विभव का सही क्रम है, एकदम देखिए आराम समझिए, सही क्रम है। मैं ये आपको एक सीक्वेंस पूछ रहा हूं, आप लोग सीक्वेंस में सजा लीजिए, सही क्रम है, ठीक है। चलिए पहला नंबर ए नंबर मैं आपको दे रहा हूं, एक नंबर में, ओके, ए बराए बी से, बी बराए सी से, ठीक है। दूसरा अब आपको मैं दे रहा हूं बी ए, दूसरा नंबर, ठीक है, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है बी से, ओके। चलिए दो नंबर दे रहा हूं, सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से। तीसरा नंबर दे रहा हूं नन, आप लोग को बताना कौन सा इसका सही जवाब होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा, ये सुनो फटाफट से जवाब दीजिए। जे केशवर चलिए बनाइए, चलेंगे अच्छी बात है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब अभी आपको जस्ट बनाना, तभी तो जस्ट डाल नहीं रहे, तो जस्ट के लिए आपको क्या करना, कर कर तैयार रखना, ओके चलेंगे अच्छी बात है, ओके। चलेंगे यस चलेंगे, बहुत बच्चे का क्लियर हो रहा, पहला कमेंट। दो नंबर चलेंगे, यस संकेश बिल्कुल सही है, डी देखो गलत है। देखो पहले ही बोले कि इसको एकदम आराम से समझो सभी बच्चे को। अब देखिए पहले देखिए सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है बताओ फटाफट से, सबसे ज्यादा निगेटिव ए वाला है, इसके बाद कम निगेटिव कौन है, इसके बाद कम निगेटिव बी वाला है, और सबसे ज्यादा देखिए प्लस सी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ज्यादा निगेटिव है वो प्रबल है, जो कम निगेटिव है वो दुर्बल है। तब देखिए कथा सही क्रम क्या होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम होना चाहिए या घटते क्रम होना चाहिए, बट सही एक सीक्वेंस होना चाहिए। चलिए अब देखिए ए सबसे बड़ा है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा जरा सा देखिए, सॉरी बीच वाला बी है, ओके सॉरी मिस्टेक, ये बीच वाला आपका सीक्वेंस वाइज दिया गया, ए के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, ओके सी के लिए तीसरा, ओके। चलिए अब आप लोग को यहां पर देखिए ए ज्यादा माइनस में तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बी प्लस में तो इसको हम बाद में लेंगे, पहले माइनस वाला देख लेते हैं, इससे कम माइनस वाला ये, यानी ए से छोटा सी होगा और सी से छोटा बी होगा, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दो नंबर, यस वेरी गुड। चलेंगे कितने बच्चे इसको समझ चुके हो, यस नो प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब दो, कितने बच्चे इसको समझ चुके हो, यस बिल्कुल। चलेंगे यदि इस तरह का सवाल दे तो आप आगे बना सकते हो, यस नो यस बिल्कुल सभी बच्चे का क्लियर है, ठीक है ना, यस चलो अब आप लोगों को हम अगला सवाल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को खुद से
आराम से बताना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सभी बच्चे फोकस करेंगे, ओके? अब चलेंगे, तीन धातु क्रमशः सोडियम, मैग्नीशियम एवं लिथियम को लिया गया है, को लिया गया है, तो आप चयन विभव के आधार पर धातु का सही क्रम, सीक्वेंस सही क्रम है। चलिए मैं दे रहा हूं, ए नंबर में Li बड़ा होगा Mg से, Mg बड़ा होगा Na से, बी नंबर जरा सा देखेंगे Li बड़ा होगा Na से, Na बड़ा होगा Mg से, सी नंबर जरा सा देखेंगे Mg बड़ा होगा Li से, Li बड़ा होगा Na से, डी नंबर जरा सा देखेंगे Na बड़ा होगा Li से, Li बड़ा होगा Mg से। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, पहला चलेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए, पहला किसका आएगा? एक गलत है वंदना, ओफ कहां आप लोग अभी तक हो बताओ, इतना कुछ करने के बाद एक ही जैसा तुम लोग कर दिया, बी ऑप्शन सही है। देखिए बहुत बच्चे स्ट्रॉन्गली इसको एकदम तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है? चलिए बिल्कुल देखेंगे, कुछ बच्चे एकदम सिंबॉलिक भेज रहे, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, हमने कहा जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए ज्यादा क्रियाशील तो सबसे पहले चूज करना है कौन तीनों में, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील याद रखेंगे सीक्वेंस में आपको हम Li के बारे में बताए थे, Li ज्यादा क्रियाशील है, वर्ग नंबर एक का धातु है, इससे कम कौन होगा? इससे कम आपका Na होगा। तो देखिए ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया और ये तीन नंबर हो गया। अब इसके आधार पर सीक्वेंस देख लीजिए, एक नंबर में Li, दो नंबर में Na, तीन नंबर में Mg, इसका मतलब ये आपका 100% सही है। यस वेरी गुड, चलेंगे ओके। अब आप लोग को हम एक क्वेश्चन और इस पर डील करवाते हैं, ओके गाइस चलेंगे ओके। चलिए अब यदि इस तरह का सवाल दे तो अटेंडेंस केवल बना दो कि कितने बच्चे बना सकते हो, इस तरह का सवाल है कितने बच्चे बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर अगला रेडी हो जाओ तीन नंबर के लिए। यस ओके चलेंगे ओके। अंकेश, सोनू, नीतीश, वंदना, नेहा, नीतीश, बलराम, अमृतेश, अंकित, चलेंगे। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। मिथुन माही, बहुत दिन के बाद भाई, चलेंगे कोई बात नहीं, बट कंटिन्यू रहे, हम भी दो तीन दिन बीच में अब्सेंट करके आए हुए हैं, ओके चलेंगे। सिंपली अब आप लोगों को आगे का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? उसको डील करना, ओके। यहां पर देखो, यदि सेल विभव का मान क्रमशः, सीक्वेंस वाइज मैं दे रहा हूं, क्रमशः प्लस 2.5 कॉमा माइनस 0.5 कॉमा माइनस 1.5 वोल्ट हो, तो तीनों सेल में सबसे अधिक आपचयन विभव कौन है, ठीक है? पहला देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देता हूं प्लस 2.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में सीक्वेंस कर देता हूं माइनस 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में माइनस 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में नन। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कौन सा होगा सही, पहला आंसर। चलेंगे अनलिमिटेड फॉर यू, आप प्लीज नाम बताइए, सी ओके चलेंगे, वंदना 1. माइनस 1. सी यस वेरी गुड चलेंगे यस
क्लियर है ना मोनू जी? चलिए, यानी कि आप बिल्कुल भी सही जवाब दे रहे हो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और आपका सीक्वेंस भी बहुत अच्छा रहा। इसका मतलब सभी बच्चे आप समझ चुके हो, यदि इस तरह का सवाल होगा तो आप डील कर सकते हो। ओके, चलेंगे। अब यह तो हो गया आप चयन की बात, अब आपको अभी जस्ट बताए थे आप चायक के बारे में। ओके, ये आपका क्लियर हो गया? यस नो? वेरी गुड, चलेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसी में आपको पूछ देगा, जैसे हमने यहां पर दिया अपचयन विभव, तो आप लोग अपचयन विभव के बारे में बता दिए, लेकिन इसी में कहेगा कि अपचायक क्षमता ज्यादा किसका होगा, ठीक है। देखेंगे हम इसी में बोलते हैं अपचायक क्षमता या प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक कौन है? प्रबल अपचायक कौन होगा? आप लोग जवाब देंगे ए बी या सी। प्रबल अपचायक आप जवाब देंगे ए बी या सी। देखिए हम जब तक मैं क्वेश्चन लिखे हैं बहुत बच्चे का उधर से आंसर आ गया है। प्रबल अपचायक का मतलब होगा जो सबसे दुर्बल अपचयन विभव होगा। तो सबसे दुर्बल अपचयन विभव ए होगा, इसका मतलब इसका आंसर बिल्कुल ये सही है। सभी बच्चे समझ गए, ठीक है, चलेंगे। इसका मतलब एक कंक्लूजन पॉइंट्स देते हैं, यदि यहां पर यदि आपको पूछा जाए प्रबल अपचायक पूछा जाए, ओके, याद रखना सभी बच्चे, प्रबल अपचायक आपको पूछा जाए, ओके, तो इसका मीनिंग ये निकलेगा वहां पर दुर्बल अपचयन अपचयन विभव होगा, याद रखना, ओके, दुर्बल अपचयन विभव होगा, यानी कि उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, याद रखना सही बच्चे, निगेटिव में जाएगा, ओके। प्रबल अपचायक है ना, तो प्रबल अपचायक दुर्बल अपचयन विभव होगा, यस, ज्यादा से ज्यादा आपका पॉजिटिव होगा, इस चीज को याद रखना, बाद बाकी ये ट्रिक आपका याद रहेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। यस नो? वेरी गुड, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ये बता दो, आज का क्लास कैसा लगा ये बता दो, ठीक है, इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ओके। चलो सपना, दिवाकर, यस यस, चलेंगे। आदित्य राज आर्यन, मिथुन माई, यस। चलो मोनू, यस, थैंक्स फॉर, चलेंगे, थैंक्स फॉर कमेंट, ओके ओके, चलेंगे। इसी तरह से आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, शाम में दो क्लास होगा, ठीक है, डाटा को बचा के रखना, शाम में दो क्लास होगा, देखेंगे क्या क्या चीज का क्लास होगा, लॉग और एंटी लॉग का। अब ये क्लास क्यों लाइए, बिकॉज आगे जितना भी न्यूमेरिकल होगा, सभी बच्चे याद रखें, जितना भी न्यूमेरिकल डील होगा वो इसी दो चीज पे डील होगा, लॉग और एंटी लॉग पे। मैं टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप में दोनों जगह क्या करूंगा, लॉग एंटी लॉग का आपको टेबल भेज दूंगा, इसका सिखाऊंगा वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है, लॉग एंटी लॉग का। जो बायो के बच्चे हो आराम से सीख लेना, मैथ वाले ऑलरेडी जान रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी जान रहे हैं मैं इजी कंसेप्ट में इसको बताऊंगा, लॉग एंटी लॉग एक। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज चेन भी बताऊंगा इवनिंग में, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन के बारे में आज बताऊंगा, आप लोग रेडी रहेंगे, सामने दो क्लास होने वाला है, ठीक है। अभी आपका 9 बजे मोलालिटी और मोलरिटी क्लास 11 का बताएंगे, ठीक है, तो 9 बजे अगेन आप लोग जूनियर को बोलेंगे, जो सीनियर नहीं पढ़े हैं बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे 9 बजे, ठीक है, और शाम में ये दो चीज लिख के मिलेंगे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखना ये चैप्टर नंबर याद रखेंगे 3 में भी जरूरी है और चैप्टर नंबर 4 में भी जरूरी है, इसलिए आप लोग को पढ़ना, ठीक है, चलेंगे, यस।